हेलो तो वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिली। और मेरा नाम मैं रेशमा सचित। तो फ्रेंड्स आइए तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स एज यूजुअल मेरे बेटे का आज कॉलेज सुबह जाना है उसको कॉलेज डेली की तरह। तो आज के टाइम पे कुछ दिनों से उसके कॉलेज सुबह से लेकर शाम तक है उसका कॉलेज। फिर फ्रेंड्स वैसे आज मैंने अपने जो बरांडा है तो उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया है। तो उसके बाद मेरे को उसमें वहाँ पे पोछा भी लगाना है। तो सारे कमरे में एक साथ साफ़ करने के लिए नहीं रहती, तो क्योंकि बीच में कभी कभी दूसरे काम भी आ जाते हैं, या तो मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं तो मैं काम नहीं करती उस वक्त, थोड़े थोड़े काम करती हूँ। वैसे उनको टीवी में न्यूज़ वगैरह रखने रहते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उस वक्त मैं अपने किचन में रहती हूँ या तो मैं कहीं और बैठ के अपने मोबाइल में कुछ देखती हूँ या उनके साथ मूवी देखती हूँ। जब वो मूवी बीच बीच में रखते हैं तो मैं उनके साथ बैठ के मूवी मलयालम मूवी वगैरह देखती हूँ या तो कॉमेडी देखती हूँ। तो न्यूज़ में हाल ही हमारे जो कन्नूर में जो मैं ब्रिज दिखाती हूँ आपको जो वड़वट्टनम, तो वहाँ पे एक बड़े से घर में चोरी हुई थी, तो उसका जो न्यूज़ है वो टीवी पे दिखा रहा था। तो सीसीटीवी में उनका जो चोर था तो उसका जो है उनका दिखा उसका पूरा जो सीसीटीवी में कैच हो चुका था। तो लेकिन चोर को ठीक से समझ में नहीं आया, तो बहुत बड़े से घर में चोरी हुआ था। इतने बड़े घर के घर रहते हुए बहुत सिक्योरिटी तो बड़े घर में भी रहते होंगे, लेकिन न्यूज़ में बता रहे हैं आजकल जो ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो उसका जो पूरा जो न्यूज़ हमारे चैनल में जो 24 न्यूज़ में दिखा रहे थे, तो उसके बाद जो न्यूज़ वगैरह जो पॉलिटिक्स के वगैरह न्यूज़ थे जो हाँ जिसमें अभी इलेक्शन ही हुआ है वहाँ जहाँ जिसमें प्रियंका गांधी का जो इलेक्शन जो वोट है वो सबसे ज़्यादा था कांग्रेस का। तो बाकी के न्यूज़ वगैरह मैं देख रही थी। तो फ्रेंड्स आज तो सुबह सुबह न्यूज़ नहीं रखा गया, तो आज मैं अपने काम कर रही थी। उसके बाद मेरे खाना पीना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपने बेटे को भी मैंने कॉलेज भेज दिया, और आज उसका शाम तक कॉलेज रहेगा। 5 बजे उसका जो लंच रहता है वो 5 बजे करता है, तो उसके बीच में वो कॉलेज में उसके हिसाब से वो जो खाना चाहता है वो वहाँ पे कैंटीन से ही खा लेता है। जब सभी बच्चे वैसे ही खाते हैं, लेकिन कुछ उसके जो कॉलेज के लड़कियाँ वगैरह होती है तो वो लोग थोड़े बच्चे लोग घर से खाना लेके जाते हैं, लेकिन यूजुअली लड़कियाँ भी लड़के भी सभी ज़्यादातर कैंटीन से ही खाते हैं, तो उसको लंच लेके नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स मैं अपना वीडियो यही स्टॉप करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, वेलकम।